गरुड़ वाहन भगवान विष्णु से दर्शन की प्रार्थना। जिन परमात्मा से ये ब्रह्मा आदि रूप जगत प्रकट होता है और संपूर्ण जगत के कारण भूत जिन परमेश्वर में ये समस्त संसार स्थित है तथा अंत काल में ये समस्त जगत जिनमें लीन हो जाता है, वे दीन बंधु भगवान आज मेरे नेत्रों के समक्ष दर्शन दे। जिनके कर कमल में सूर्य के समान प्रकाशमान चक्र, भारी गदा और श्रेष्ठ शंख शोभित हो रहा है, जो पक्षीराज गरुड़ की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं, वे दीन बंधु भगवान आज मेरे नेत्रों के समक्ष दर्शन दे। जिनकी स्नेह दृष्टि से देखे जाने के कारण देवता लोग ऐश्वर्य पाते हैं और कोप दृष्टि के द्वारा देखे जाने से दानव लोग नष्ट हो जाते हैं तथा सूर्य, यम और वायु आदि जिनके भय से भयभीत होकर अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, वे दीन बंधु भगवान आज मेरे नेत्रों के समक्ष दर्शन दें। जो जागते हुए पुरुष का दूर चला जाता है और सोते हुए पुरुष का वैसे ही निकट आ जाता है, जो परमात्मा के साक्षात्कार का प्रधान साधन है, जो भूत, भविष्य, वर्तमान, संकृष्ट और व्यवहित पदार्थों का एकमात्र ज्ञाता है और जो विषयों का ज्ञान प्राप्त करने वाले स्रोत आदि इंद्रियों का एकमात्र प्रकाशक और प्रवर्तक है, मेरा वो मन कल्याणकारी भगवत संबंधी संकल्प से युक्त हो। कर्मनिष्ठ एवं धीर विद्वान जिसके द्वारा यज्ञ पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करके यज्ञों में कर्मों का विस्तार करते हैं, जो इंद्रियों का पूर्वज अथवा आत्मस्वरूप है, जो पूज्य है और समस्त प्रजा के हृदय में निवास करता है, मेरा वो मन कल्याणकारी भगवत संबंधी संकल्प से युक्त हो। जो विशेष प्रकार के ज्ञान का कारण है, जो सामान्य ज्ञान का कारण है, जो धैर्य रूप है, जो समस्त प्रजा के हृदय में रहकर उनकी समस्त इंद्रियों को प्रकाशित करता है, जो स्थूल शरीर की मृत्यु होने पर भी अमर रहता है और जिनके बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता, मेरा वो मन कल्याणकारी भगवत संबंधी संकल्प से युक्त हो। जिस अमृत स्वरूप मन के द्वारा भूत, वर्तमान और भविष्य संबंधी सभी वस्तुएं ग्रहण की जाती है और जिसके द्वारा सात होताओं वाला अग्निष्टोम यज्ञ होता है, मेरा वो मन कल्याणकारी भगवत संबंधी संकल्प से युक्त हो। जिस मन में रथ चक्र की नाभि में लगे अरों के समान ऋग्वेद और सामवेद प्रतिष्ठित हैं तथा जिनमें यजुर्वेद प्रतिष्ठित हैं, जिनमें प्रजा का सब पदार्थों से संबंध रखने वाला संपूर्ण ज्ञान ओतप्रोत है, वो मेरा मन कल्याणकारी भगवत संबंधी संकल्प से युक्त हो। श्रेष्ठ सारथी जैसे घोड़ों का संचालन और रास के द्वारा घोड़ों का नियंत्रण करता है, वैसे ही जो प्राणियों का संचालन तथा नियंत्रण करने वाला है, जो हृदय में रहता है, जो कभी बूढ़ा नहीं होता और जो अत्यंत वेगवान है, मेरा वो मन कल्याणकारी भगवत संबंधी संकल्प से युक्त हो। ओम असतो मा सदगमय। हे रुद्र, ये गरुड़ महापुराण विद्या, यश, सौंदर्य, लक्ष्मी, विजय और आरोग्य आदि का कारण है। जो मनुष्य इसका पाठ करता है या सुनता है, वो सब कुछ जान जाता है और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर इस महापुराण का पाठ करता है, सुनता है अथवा सुनाता है, जो इसको लिखता है, लिखाता है या पुस्तक के ही रूप में इसे अपने पास रखता है, वो यदि धर्मार्थी है तो उसे धर्म की प्राप्ति होती है, यदि वो अर्थ का अभिलाषी है तो अर्थ प्राप्त करता है। जिस मनुष्य के हाथ में ये गरुड़ महापुराण विद्यमान है, उसके हाथ में ही नीतियों का कोश है। जो प्राणी इस पुराण का पाठ करता है या इसको सुनाता है, वो भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है। इस पुराण को पढ़ने वाले एवं सुनने वाले मनुष्य के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष
इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाती है। इस महापुराण का पाठ करके या इसको सुन करके पुत्र चाहने वाला पुत्र प्राप्त करता है तथा कामना का इच्छुक अपनी कामना प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर लेता है। विद्यार्थी को विद्या, विजिगीषु को विजय, ब्रह्म हत्यादि से युक्त पापी पाप से विशुद्धि को प्राप्त होता है। वधन्या स्त्री, पुत्र, कन्या, सज्जन, पति, क्षेमार्थी, क्षेम तथा भोग चाहने वाला भोग प्राप्त करता है। मंगल की कामना वाला व्यक्ति अपना मंगल, गुणों का इच्छुक व्यक्ति गुण, काव्य करने का अभिलाषी मनुष्य कवित्व शक्ति और जीवन का सार तत्व चाहने वाला व्यक्ति सार तत्व प्राप्त करता है। ज्ञानार्थी संपूर्ण संसार का मर्दन करने वाला ज्ञान प्राप्त करता है। हे रुद्र, पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ के द्वारा कहा गया ये गरुड़ महापुराण धन्य है। ये तो सबका कल्याण करने वाला है। जो मनुष्य इस महापुराण के एक भी श्लोक का पाठ करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसके मात्र आधे श्लोक का पाठ करने से निश्चित ही दुष्ट शत्रु का क्षय हो जाता है। इसलिए ये गरुड़ महापुराण मुख्य और शास्त्र सम्मत पुराण है। विष्णु धर्म के प्रदर्शन में गरुड़ पुराण के समान दूसरा कोई भी पुराण नहीं है। जैसे देवों में जनार्दन श्रेष्ठ हैं और आयुधों में सुदर्शन श्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणों में ये गरुड़ पुराण हरि के तत्व निरूपण में मुख्य कहा गया है। इस गरुड़ पुराण में हरि ही प्रतिपाद्य हैं, इसलिए हरि ही नमस्कार करने योग्य हैं, हरि ही शरण्य हैं और वे हरि ही सब प्रकार से सेवा करने योग्य हैं। ये गरुड़ महापुराण बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायक है। ये सभी पापों का विनाशक एवं सुनने वालों की समस्त कामनाओं का पूरक है। इसका सदैव श्रवण करना चाहिए। जो मनुष्य इस महापुराण को सुनता या इसका पाठ करता है वो निष्पाप होकर यमराज की भयंकर यातनाओं को तोड़कर स्वर्ग को प्राप्त करता है।